गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 4:30 और नींद मेरी खुल गई है क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। अब सुबह 4:30 हो गई है तो सब तो सो रहे हैं, कुछ खाने को बन नहीं सकता। तो फिर मैंने अभी पास्ता ऑर्डर किया, तो पास्ता भी आने वाला है, 5 मिनट के अंदर पहुँचेगा। और सुबह नींद मैं जल्दी से भी उठ गया क्योंकि जो कल का व्लॉग बनाया छोटा सा, तो वो एडिट भी नहीं किया और अपलोड भी नहीं किया। तो अब उठ के गया हूँ, जैसे पास्ता आता तो वो खाता हूँ, साथ साथ अपनी एडिटिंग भी करता हूँ और वीडियो भी अपलोड करता हूँ। तो आज शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। तो आज कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल तो सारा दिन वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं किया, मतलब एक टाइम वेस्ट डे था कल, ज़ीरो ब्लॉग किया। पर आज वेस्ट नहीं करना, आज कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग करेंगे। तो पास्ता तो मेरा आ गया, फटाफट इसको खाता हूँ और फिर एडिटिंग शुरू करता हूँ। आपने भी सुबह सुबह पास्ता खाया अभी 4:30 बजे? या मैं ही बेवकूफ़ हूँ? एक एक्चुअली भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो कुछ और समझ भी नहीं आ रहा था, बर्गर चाउमीन। तो मैंने किससे सोचा अच्छा कि पास्ता ही खा लूँ, तो फटाफट खाता हूँ पास्ता और एडिटिंग करता हूँ। तो एडिटिंग कर रहा हूँ, पास्ता उठ गया तो बड़ी मुश्किल से उसको सुला के आया हूँ। 4:30 हो गए, फटाफट एडिटिंग खत्म करूँ और दोबारा थोड़ी देर पहले सोऊँ और साथ में पहले भूख लगी है तो खाऊँ। तो अब बच चुके हैं 6:30 सुबह के, तो एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और वीडियो अपलोड पे लगा दी है मैंने, बस 5 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद मुझे आ रही है अब नींद, तो एक दो घंटे काफ़ी सोऊँगा, फिर अप्रॉक्स 8:30-9 बजे तक उठूँगा। वैसे मौसम सुबह सुबह का ना अच्छा रखा है, बादल आ रखे हैं, आजकल तो बारिश बड़ी है आ रही है कि मतलब दिन में बारिश आ जाती है फिर रात हो जाती है, आती थोड़ी देर के लिए, अब बट बहुत ज़्यादा तेज आती है। वीडियो अपलोडिंग चल रही है, बस 5 मिनट के अंदर कम्प्लीट हो जाएगी। तो राम राम भाइयों, दोबारा उठ गया सो के, सुबह के बच चुके हैं 10:30 और ये छोटा भीम भी उठ गया है। तो फटाफट हो जाते हैं रेडी। और एक और चीज़, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब जल्दी जल्दी हम हो जाते हैं रेडी क्योंकि 10:30 हो चुके हैं, अगर हम थोड़ा सा और लेट हुए तो हमें ब्रेकफास्ट ही नहीं मिलेगा। पूछो कैसे, क्योंकि 1.5 घंटे बाद 12 बज जाएंगे ना, फिर लंच टाइम हो जाएगा। गंदा जॉक, मस्त बारिश, इतनी तेज मस्त बारिश शुरू हो चुकी है। ठंडी ठंडी हवा और बारिश, मज़ा, मतलब बारिश इंजॉयमेंट से अच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बारिश भीगने से अच्छा। मेरे फोन में पानी चला जाएगा, चीज़ को रखता हूँ अंदर। बच्चे बाहर खेलते हुए, सब बारिश में इंजॉय कर रहे हैं। बारिश के बाद हर जगह पानी पानी हो गया, मुझे भी साइड से जाना पड़ रहा है सामान लेने। तो हमारे पास पड़ा था जो जोलो चिप का पैकेट, तो वो पिंकी ने खोल लिया, तो उसे खाया तो जा नहीं रहा पूरा। तो हमने सोचा कि हम आधा आधा जो है चिप्स वो खाएंगे, तो मैं भी पहली बार खा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, आधा ही खाऊँगा क्योंकि आपको पता है मिर्ची मुझे बर्दाश्त होती नहीं। तो आज मैं हिम्मत करके जोलो चिप खाने वाला हूँ और साथ में पिंकी भी खा रही है, तो देखते हैं लेट्स सी कि क्या होता है। तो मैं कैमरे को कर देता हूँ सेट और खाते हैं हम जोलो चिप। तो ये रहा जोलो चिप जो ऑलरेडी हमने खोल लिया है, तो इसके अंदर पड़ा हुआ है चिप्स, ठीक है। अच्छा, ये तो मुझे खोला था,
ये रहा इसके अंदर एक चिप्स और इसके अंदर थोड़े इसके पीसेस पड़े हुए दो चार, मेरे लिए तो यही बढ़िया होंगे। आगे देखो अब इसको कर लेते हैं हम आधा, आधा खाएगी पिंकी और आधा मैं। वो बिठाओ मेरे पास ज्यादा आ गया। हाँ कोई नहीं, मैंने पिछली बार मैंने खाया था, आपने नहीं खाया था। तो ये है जो लो चिप, शक्ति देना परमात्मा बच्ची तो है ये भी खाओ, बचाओ बचाओ ऐसा लगता है ब्लास्ट हो गया मिर्च का मुंह में मिर्च क्या शुरू हो गई पानी मिर्च है मिर्च पानी मतलब इतनी भी नहीं है पर भी बहुत ज्यादा है और पानी आए अंशु पानी तो ये पी के देखता हूँ। लॉरी जीरा शायद हेल्प कर दे। वैसे ज्यादा हाँ अब लग रहा है, इससे ज्यादा लगेगा इससे बार बढ़ रहा है। एक्चुअली ना मिर्ची नहीं है बट पानी खा के आंख में पानी आ जाता है मिर्च पर इतनी ज्यादा नहीं। फीलिंग रिलीफ बट इतना भी होगा नहीं है जितना लोग जोलो जी के बारे में करते हैं, बस पानी आने लग जाता है आंखों से। इससे ज्यादा स्पाइसी तो नूडल्स है नहीं, ये ज्यादा है। तो गाइस देखा मुंह से आग निकलेगी, बस मतलब धीरे धीरे मिर्च बढ़ती जा रही है और मैं से बोला नहीं जा रहा, मैं तो तला गया This is power of vlog. कुछ भी सह जाए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखो कितनी मिर्ची खानी पड़ रही है। तो अब बच चुके हैं रात के 10 और अब डिसाइड हुआ है कि हम खाएंगे स्पाइसी नूडल। दोपहर को हमने खाया था जोलो चिप मिर्च वाला और अब स्पाइसी नूडल। हम बन रहे हैं स्पाइसी मैन। वो आ रहा है भाई नूडल्स लेके स्पाइसी। तो आ गए हमारे नूडल्स, बस 5 मिनट इसको उबालना है, फिर इसके अंदर सॉसेज और मसाला मिला देना है, फिर रेडी हो गया। मतलब 5 मिनट के अंदर बन जाता है ये। तो हम ये खा लेंगे, बच्चों के लिए बना देते हैं हम मैगी, क्योंकि ये स्पाइसी है, ये बच्चों को देने ना, तो बच्चों के लिए बनाते हैं मैगी। मैंने कर लिया रेडी अपने स्पाइसी नूडल्स। तो ये स्पाइसी नूडल्स और हम खा रहे हैं रोटी के साथ। कॉम्बिनेशन देखो, रोटी के साथ नूडल्स और दोनों ये खा रहे हैं मैगी। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। बाय।